पिछले 20 दिनों से लगातार पारा चढ़ता जा रहा है, लोग गर्मी से बेहाल है। वहीं इस गर्मी के चलते पानी की भारी किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां कुछ कॉलोनी वासी पेयजल नहीं होने की शिकायत कर रहे हैं और पानी खरीदकर पीने को मजबूर है, तो वहीं पूरे शहर में पानी को व्यर्थ बहाया जा रहा है। इस पूरे मामले में प्रशासन अपनी आंखें मूंद कर बैठा है। सिरसा शहर में जगह जगह हर गली नुक्कड़ पर सर्विस स्टेशन खुल गए हैं, जहां सरेआम गाड़ियों की धुलाई में सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बहा जा रहा है। पानी को व्यर्थ बहाने में अकेले सर्विस स्टेशन ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों के दुकानदार भी इससे पीछे नहीं है। तो वही शहर भर में खुली फल और फूलों की नर्सरी में भी पानी को व्यर्थ बहाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की संवेदनहीनता देखिए, नहीं इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और न ही इन पर लगाम लगाई जा रही है। अब देखना होगा क्या प्रशासन इसे गंभीरता से लेते हुए इन पर क्या कार्रवाई करता है। जब हमने पब्लिक हेल्थ KSC से बात करनी चाही तो उन्होंने XCN से बात करने के बहाने टाल दिया, और जब XCN से बात करने की कोशिश की गई तो बार बार उनके दफ्तर जाने के बाद भी नहीं मिले। इस बात से साफ नजर आ रहा है कि अफसर इस बारे में बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट।